यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये खुदा उनका कलाम है, इसके पढ़ जाने का तौर पर एक आदमी। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये खुदा उनका कलाम है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और दुआ मांगे। खुदावन मेरी बुद्धि मेरी ज्ञान मेरी समझ मेरी होताओं को शून्य कर, पिता होने दे बाप के इस पल से मेरे मुख से जो निकले वो तेरा कलाम हो, तेरे लोगों के लिए हो और बरकतें लेकर आए यीशु के नाम से। मेरे खुदाई कलाम में क्या लिखा है कि तब आत्मा यीशु को कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। मेरी तो क्या जरूरत है इबलीस की यीशु मसीह की परीक्षा ले? क्या इबलीस के पास इतनी ताकत है कि वो यीशु मसीह की परीक्षा ले सके? नहीं। आत्मा यीशु को जंगल में क्यों लेकर गया? मेरे को खुदा ही कलाम में लिखा है, मैंने लिखा है कि जब अय्यूब के नौकर तक को छूने की शैतान कोशिश करता है तो खुदावन से क्या कहता है, प्रभु तूने अय्यूब के घर के चारों और अय्यूब के बाड़े उसके सेवकों के चारों और उसके जानवरों के चारों सबके चारों लहू का बाड़ा बांध रखा है, मैं उसे छू नहीं सकता, पहले तू हटा उस बाड़े को तब मैं उसे छूंगा। लेकिन खुद यीशु मसीह है, उसको शैतान कैसे छू सकता, उसकी शैतान कैसे परीक्षा ले सकता। मेरे तो खुदा कलाम लिखा है आत्मा ने अलाउ किया कि यीशु की परीक्षाएं हो। अगर परमेश्वर अलाउ नहीं करता तो शैतान कभी भी यीशु मसीह की परीक्षा नहीं ले सकता। वही तो पहली बात कि आत्मा यीशु को जंगल में क्यों लेकर गया? जंगल का मतलब अकेलापन। अक्सर मैं और आप जब जब गुनाहों में गिरते हैं तब तक मैं और आप कहां पे गुनाह में गिरते हैं? अकेले में जाने वाला पड़ते हैं। इसलिए खुदा कलाम लिखा है सोपदेशक में कि एक से भले दो हैं कि अगर एक गिरे तो दूसरा उसे संभाले, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरा उसको उठाने वाला कोई ना हो। मैं तो खुदावंद ने अलाउ किया शैतान को कि वो अकेले में यीशु मसीह को लेकर जाए और अकेले में उसकी परीक्षा हो। मैं तो परीक्षा होना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं ना, अगर हम यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन बैठ के आता तो हम क्या कहते हैं, प्रभु आपको क्या पता कि परिवार चलाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, आपको क्या पता कि संगति कितनी बुरी होती है, मैं तो अच्छा था लेकिन मेरी संगति मेरे लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया, प्रभु आपको क्या पता सांसारिक भूख क्या होती है, इस पेट की भूख आपको नहीं पता। मैं तो इसीलिए अगर हमारा उद्धार यीशु मसीह के मारे जाने गाड़े जाने दफनाए जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जूठने से होता तो यीशु मसीह डायरेक्ट सेवकाई 3.5 साल की सेवकाई रही, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह 30 साल तक इस संसार में जिए रहे। उसका सबसे बड़ा सबब यही था कि जैसे हम लोग 100% ह्यूमन हैं, यीशु मसीह भी 100% ह्यूमन बन के रहा कि जो जो परिस्थितियां हम देखते हैं वो परिस्थितियां यीशु मसीह ने भी देखी। अब अगर मैं कहूंगा कि प्रभु आपको क्या पता कि संगति कितनी बुरी होती है तो यीशु मसीह क्या कहेंगे, अरे मैं तो नासरत में पैदा हुआ जहां के लिए लिखा हुआ है क्या नासरत में से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है, तो ये हमारी संगति तेरी संगति क्या होगी, मेरी तो उससे भी खराब संगति थी। मैं कहूंगा प्रभु आपको क्या पता परिवार चलाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी, मैं चोरी करना नहीं चाहता था। यीशु मसीह क्या कहेंगे, तुझे क्या पता तो मुझे बता, बचपन में मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं खुद कारपेंटर रहा, मैंने खुद अपने बहन भाइयों को और अपने परिवार को का लालन पोषण किया। मैं कहूंगा प्रभु आपको क्या पता इस पेट की भूख क्या होती है, आप तो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह कहेंगे 40 दिन 40 रात जब मैं भूखा रहा निराहार रहा तो मुझे भूख लगी। मेरे तो शैतान चालू है, शैतान मेरे और आपको उसी स्तर पर ले जाके गिराता है जो स्तर मेरे और आपकी जिंदगी में सबसे बहुमूल्य है, या जो मेरी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी शैतान मुझे आपको वहीं गिराएगा।
शैतान देख रहा है बैठ के 40 दिन और 40 रात से यीशु मसीह भूखे हैं, तो उनकी पहली आवश्यकता क्या है? रोटी। शैतान ने पहली परीक्षा रोटी की ही ली। खुदावंद यीशु मसीह से शैतान क्या कहता है? वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। क्या शैतान नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है? जानता था कि नहीं? लेकिन वो क्या चाहता था कि यीशु मसीह अपनी पहचान के ऊपर शंका करे। हम सिद्ध कब करते हैं? जब हमें शंका होती है। कोई मुझसे पूछे कि तेरे पापा का नाम प्रेमदास है, मैं कहूंगा हाँ। आधार कार्ड देखा तब मानूंगा। मैं क्या कहूंगा? बाहर में जा, मैं तुझे क्यों सिद्ध करूं? मेरे पापा हैं तो हैं। मैं जो शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार है, जब मैं और आप प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं, जब मैं और आप संगति में आगे बढ़ते हैं, जब मैं और आप खुदावन के वचन, उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञाओं में बढ़ते हैं, खुदावन मुझे और आपको शापर देता है। कुरान कलाम में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। खुदाई कलाम में लिखा है यदि तुम प्रार्थना करो और ये प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरी आपकी जिंदगी की बड़ी परेशानी यही है कि मैं और आप प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। मैं और आप खुद आमीन बोलते हैं लेकिन अपनी आमीन पे मुझे और आपको खुद विश्वास नहीं है। अभी अगर कोई बीमार है, हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं? आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। लेकिन अगले पल हम क्या कहेंगे? चलो अब डॉक्टर पे चलते हैं। कई बार भाई साहब हम लोग भी ना, हम लोग खुद ही दुआ कर रहे हैं आपकी चंगाई के लिए, फिर बाद में हम खुद ही आपको अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करने लगते हैं। अरे मुझे भी ऐसा हुआ था तो मैं वहां गया था, आप उससे दे। उम्मीदवार मेरी आपके जीवन की यही परेशानी है कि मैं और आप, शैतान बार बार मुझसे और आपसे कहता है कि अरे तूने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पा लिया लेकिन अभी भी तू पापी है, अभी भी तू पापी है, अभी भी तू गुनहगार है, अभी भी तू यीशु मसीह की संतान नहीं है। मैं तो कई बार मेरी आपकी जिंदगी में अविश्वास मेरे और आपके जीवन में बरकतों को रोकने का कारण बन जाता है। लेकिन ये रोजे मेरी आपकी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि मैं और आप अपनी खुदी का इनकार करें और इस बात को याद रखें कि मैं और आप मसीह में हैं और मसीह हम में है। मैं लोग इस शैतान यीशु मसीह से कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए। मैं तो अगर शैतान कुछ और चाहता, बात अगर खाने की ही थी तो शैतान क्या कहता? अरे तू खुदा का बेटा है तो एक काम कर, हवा में हाथ फैला और रोटी आ जाएगी। मैंने एक पिक्चर देखी थी, पता नहीं कौन सी थी वो, उसमें एक जादूगर सा था, वो ऐसे करके हाथ बढ़ाता था और खाने की फ्रूट्स ये वो सब आ जाते थे। ऐसे भी तो कह सकता था, लेकिन शैतान ने क्यों कहा कि पत्थर से ही कह के तू रोटी बनाए? क्या यीशु मसीह अगर उन पत्थरों से कहता तो क्या वो रोटी बन जाते? बिल्कुल बन जाते नहीं बनते। क्यों नहीं बनते पता है? क्योंकि यीशु मसीह शंका करते अपनी पहचान पर, और अगर वो शंका करते तो आम आदमी की तरह रह जाते। भाई शैतान की बात सुन के उसको सिद्ध करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ पर शंका कर रहे हैं। शैतान मुझे और आपको खुदावन के वचन से ही बरगलाता और खुदावन के वचन से ही फुसलाता है। निश्चित तौर पर जान लेना, शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार खुदावन का कलाम ही है। जैसे जैसे मैं और आप चर्च में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं और आप दुआ बंदगी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं और आप धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे, शैतान मुझे और आपको अहंकारी करता जाएगा। हर एक दूसरे की बात मुझे और आपको बुरी लगने लगेगी। अब तक तो मैं ही करता था, अब तक तो मैं ही क्वायर में था, अब तक तो मैं ही गाने गाता था,
नहीं तो कब मेरी आपकी धार्मिकता मेरे और आपके अहंकार में बदल जाएगी मुझे और आपको खुद नहीं पता पड़ेगा। मैं तो वो शैतान क्यों कहता है कि पत्थर से कह के रोटी बन जा। खुदा कलाम में लिखा है अदन की वाटिका में खुदावंद ने शैतान को श्राप दिया कि तू मिट्टी पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटा करेगा। शैतान चाहता है कि जैसा उसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी करे, यीशु के साथ भी हो, कि वो पत्थर उठाए पत्थर खाए। तुम क्या हुए? एक तरह से मिट्टी चाटना ही तो हुआ। मैं तो निश्चित तौर पर शैतान चालाक है, वो निरंतर इस ताक में रहता कि कब मुझे और आपको फाड़ खाए। मेरे रोजे के दिन इसलिए मेरी आपकी जिंदगी में आते हैं कि मैं और आप खुदावंद की नजदीकी में आगे बढ़े, मैं और आप प्रार्थनाओं में आगे बढ़े, मैं और आप उपवास में आगे बढ़े। खुद हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी, जबकि वो खुदा का बेटा है, अपनी सेवकाई को प्रारंभ करने से पहले और उस बड़ी योजना में जाने से पहले जो तमाम मानव जाति के उद्धार की थी, 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर उसने प्रार्थनाएं की है, उसने उपवास रखे और अपने आप को तैयार किया है कि वो खुदावंत की सेवकाई को, खुदावंत की उस महान योजना को पूरा कर सके। लेकिन आज कलीसियाओं के पास समय नहीं है कि वो उपवास रखे, आज कलीसियाओं के पास समय नहीं है कि वो प्रार्थनाएं करें, और आज इसीलिए मैं और आप आत्मिक उन्नति और उत्थान को पा नहीं पाते हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप आत्मिक उन्नति और उत्थान में आगे बढ़े तो अवश्य है कि मैं और आप रोजों के साथ खुदावन की हुजूरी में आए। मैं तो अगर बुजुर्गवार है, बीमार है, रोजे नहीं रख सकते हैं, खाली पेट नहीं रह सकते हैं, तो आंशिक उपवास रखें। आंशिक उपवास का मतलब, रोजे का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम खुदावन के सामने ये सिद्ध करें कि प्रभु हमारी सबसे ज्यादा प्यारी चीज से भी आप हमें ज्यादा प्यारे हैं। खुदावन हम आपके लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी। अगर कोई सिंपली अगर कोई शाम को, जैसे मैं उस दिन कह रहा था, शाम को अगर नाटक देखने का शौक है तो रोजों के दिनों में उसे छोड़ो। किसी को चाय पीने का शौक है, उसके बिना नहीं रह सकते। सिंपली रोजे का मतलब रिमाइंडर, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि हम मसीह के हैं। रोजे का मतलब अपने दिमाग में मैसेज भेजते रहना कि हम गुनाहों से दूर रहे। जिसको चाय पीने की आदत है, अगर वो सपोज करिए अगर वो चाय नहीं पिएगा तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? 24 घंटे चाय नहीं पीना। और क्यों नहीं पी? क्योंकि मैं रोजे से हूं। तो जब जब मेरे और आपके कदम गुनाह की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो चाय मुझे और आपको याद दिलाएगी कि तू रोजे में है, गुनाह मत कर। वही तो खाली पेट जब मैं और आप रहते हैं तो सिंपली क्या होता है, जैसी हमारी निगाहें गलत जाती हैं, जैसी हमारे हाथ गलत जाते हैं, जैसी हमारे विचार गलत, हमारे मन में गलत आते हैं, तो पेट सीधे सीधे एक मैसेज भेजता है दिमाग में कि तू रोजे से है, गुनाह मत कर। जो बीमार और बुजुर्ग हैं वो ऐसे भी रोजा रख सकते हैं। सिंपली कुछ ना कुछ खुदा के लिए छोड़ना ही रोजा है, उपवास है, और ऊपर उठकर खुदावन की संगति में वास करना। उपवास का मतलब ऊपर उठकर खुदावन की संगति में वास करना ही उपवास है। मात्र शाम को अपने घर में दुआ करा लेना, सॉरी ये रोजा नहीं है। मुझे और आपको पूरे दिन खुदा की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना है और खुदावन की हुजूरी में आकर खुदावन से कहना है, प्रभु तो मुझे नया करते। मैं तो हर साल इस बात को तो मैं हर दुआ में ही कहूंगा, जितनी हमारी आयु है, अगर हमने 40 दिनों में एक बुरी आदत छोड़ी होती, सिर्फ एक बुरी आदत, कि प्रभु इस साल 2024 के रोजों में मैं इस बुरी आदत को छोड़ता हूं, और पूरे 40 दिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते तो जितनी हमारी आयु है उतने, जब से हमने रोजा रखना शुरू किया या रोजे के बारे में सीखे हैं, तो जितनी हमारी आयु है उतनी बुराइयां और उतनी कमियां हमारे जीवन से दूर होती जाती।
खुदावन चाहता है कि मैं और आप परफेक्ट बने। खुदा के कलाम में लिखा पहला पत्र उसके पहले अध्याय की 24-25 आयत में कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, और आगे लिखा है सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो रोजे जो हैं वो मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए ही आते हैं। इसलिए बड़ी आत्मा और सच्चाई से खुदा उनकी इबादत करें, शैतान को ना कहना सीखें, और हमारी कोई भी कमजोरी कितनी भी बड़ी कमजोरी क्यों ना हो उस पल में भी खुदावन के वचन को याद रखें, क्योंकि खुदावन का वचन ही है जो मुझे आपको लड़ने की ताकत देता है। यीशु मसीह ने भी कोई फालतू बात नहीं करी शैतान से, सीधे सीधे खुदावन के कलाम से कहा। क्या कहा? कलाम में लिखा है कि वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन से जिंदा रहेगा जो खुदावन के मुंह से निकलता है। हम विश्वासी जिंदगियां हैं, हम सिर्फ खुदावन के वचन को पढ़ें, उसे ओढ़े, उसे पहने, उसके अनुसार चलें और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनते जाएं। दुआ में अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक मालिक हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी आदर दीनता और भक्ति के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आप ही तो हैं जो अनुग्रह करने वाले और दया करने वाले परमेश्वर हैं। इस परिवार पे अपना अनुग्रह कर, हमारे बुजुर्ग अंकल आंटी को खुदावन, दास साहब को, आंटी को खुदावन, इनके बच्चों को खुदावन, नाती पोतों को तेरे अनुग्रह की दृष्टि में रखते हैं। इस कलीसिया पर तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक जिंदगी खुदावन सुरक्षित पाई जाए, फलवंत पाई जाए, और ये मंडली पिता जो तेरी इबादत में सहभागी है खुदावन, आत्मा की मामूली से, आत्मा के अभिषेक से और आत्मा की सामर्थ से भरी जाए। ये कलीसिया खुदावन आत्मिक उन्नति और उत्थान में बढ़ती जाए और जागृत कलीसिया के रूप में जानी जाए। जितने ऑनलाइन खुदावंद आपकी इबादतों में सहभागी हैं, आप उन सबके भी साथ रहें, उनके परिवारों पर भी आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद के साथ सारी बातों में आपको आदर देते हैं और प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।